सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये है थर्ड व्लॉग जर्मनी वर्सेस फ्रांस, जो कि सिग्नल इडुना पार्क के अंदर मैच है, फ्रेंडली मैच है ये, उसका व्लॉग है। इससे पहले दो व्लॉग ऑलरेडी हो चुके हैं, बार्सिलोना वर्सेस वेलेंशिया, म्यूजियम का टूर ऑल्सो, उसके ऊपर भी एक अलग वीडियो है, और पीएसजी वर्सेस यूवेंटस जिसमें मेसी को देखा था, एम्बाप्पे को और से बहुत से बड़े प्लेयर नेमार थे उस मैच के अंदर, उसका भी वो सबसे पहला व्लॉग था। तो डू चेकआउट दोनों के, सबके जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो डू चेकआउट फर्स्ट दैट अगर आपने अभी तक नहीं देखा। बट गाइज इट इज जर्मनी वर्सेस फ्रांस, क्यों जा रहा हूं यार ये मैं मैच देखने? यार दोनों अच्छी टीम्स हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं, ऑब्वियसली एक ये रीजन है, लेकिन वी आर ब्रदर्स, बार्सिलोना रियल मैड्रिड फैंस, ब्रदर्स फ्रॉम अनदर मदर, ठीक है? क्योंकि एम्बाप्पे भी खेल रहे होंगे, कछुआ खेल रहा होगा इस मैच के अंदर, और स्नेक जो है वो सपोले जो है वो भी खेल रहे होंगे डेम्बेले। तो हम एक हैं, बार्सा और रियल मैड्रिड फैंस जो है ना वो इस सारी सिचुएशन के अंदर एक हैं। तो मैं आपके जो मैसेजेस हैं और अपने पर्सनल जो दिल के मैसेजेस हैं, अगर डेम्बेले और एम्बाप्पे खेल रहे हो आज के मैच में, तो वो डिलीवर करने जा रहा हूं। तो ये सबसे बड़ा मोटिव है। और दूसरा, किस टीम को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ यार आज के मैच में, मतलब कौन से मैच में किसको सपोर्ट करूंगा मैं? जर्मनी, मतलब दोनों ऐसी टीम है जिनसे, जिन्होंने दिल तोड़ा हुआ। मैं जर्मनी ने 2014 के अंदर अर्जेंटीना को हरा के, फिर फ्रांस ने 2018 के अंदर अर्जेंटीना को हरा के, लेकिन अपना दिल बड़ा कर लिया हुआ हमने, बिकॉज अर्जेंटीना और मेसी वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, अब कोई मसला नहीं है ना जर्मनी से ना फ्रांस से, ठीक है? तो मतलब कंसिडरिंग दैट के मसला कोई नहीं है हमें दोनों से अब, लेकिन मसला है फ्रांस से अभी भी है, बिकॉज एम्बाप्पे और जो सपोला है डेम्बेले वो अभी भी खेल रहे हैं फ्रांस के अंदर। तो आज हम सपोर्ट करेंगे जर्मनी को, इस लीबे डॉयचलैंड, ठीक है? लेट्स गो जर्मनी। और आपसे मिलते हैं कहां पे, कहीं इन बिटवीन या फिर स्टेडियम के अंदर। सो गाइस, जैसे मैंने वो कहा था, या तो मिलेंगे मैच में स्टेडियम में या फिर इन बिटवीन, तो अभी हम इन बिटवीन हैं, और ये डिज़ोल्डॉफ का स्टेशन है जहाँ पे जो है वो मैं वेट कर रहा हूँ ट्रेन आने का। तो डिज़ोल्डॉफ से डॉर्टमंड जाना, और ये सारे लोग भी जो है वो मेरे साथ वेट कर रहे हैं, तो वेट कर रहे हैं अभी, देखते हैं ट्रेन के अंदर बैठ के भी आपको दिखाते हैं कि कैसे लगती है। सो गाइस, जैसे मैंने आपको कहा था कि ट्रेन के अंदर मिलेंगे, तो अभी मैं ट्रेन पे हूँ और डॉर्टमंड जा रहे हैं। तो लेट्स सी, आई थिंक 30 मिनट्स हो गए हैं, 30 मिनट्स रह गए हैं ऑलमोस्ट डिज़ोल्डॉर्फ से जो डॉर्टमंड है वो 1 आवर बाई ट्रेन है। तो अभी हम ये कहीं, आई थिंक बीच में एसन है, वहाँ पे जो है वो रुके हैं, और अभी 30 मिनट्स है। ये सीन है यहाँ पे ट्रेन्स का, जो कि आप देख सकते हैं, तो इस तरह की होती हैं ट्रेन्स। गाइस ये रश चेक करो, ये जर्मनी का मैच क्या है, और अभी मैं डॉर्टमंड के स्टेशन पे पहुँचा हूँ, ठीक है? डॉर्टमंड का जो ट्रेन स्टेशन है ना वो है, और यहाँ पे ऑलरेडी आपको ये देखो कितना रश दिख रहा है, ये सारे जो है वो फुटबॉल मैच देखने आए हैं, और जर्मन फुटबॉल फैंस आए हैं। ये चेक करो, ट्रेन में हाल चेक करो, खड़े होने की जगह नहीं है। ये ट्रेन के अंदर ये मॉल है, तो स्टेडियम में जा करना क्या होगा। तो ये जर्मनी है, जर्मनी। ये हम, मैं बाहर आ चुका हूँ, और ये फ्रेंच फैंस है, दूसरी साइड के ऊपर फैंस हैं जर्मनी के, और ये फ्रेंच हैं। मेसी, 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 यार ये हरामजदगी चेक कर रहे हो, वो फ्रेंच फैंस हैं यहाँ पे, और ये देखो, ओ भाई साहब, सी मेसी, ओ मेसी।
टीम जो है आ गई है, लेकिन दिख कुछ नहीं रहा। बाहर निकल, अबे सांप बाहर निकल, बाहर निकल, बात करनी है थोड़ी सी, अबे सांप बाहर। आ चुके हैं सिग्नल इडुना पार्क में, ये चेक करो। फ्रांस के प्लेयर्स बाहर आ गए हैं, फ्रांस के प्लेयर्स देखो कौन है भाई, किलियन एम्बापे। कैसे हो रियल मैड्रिड फैंस? ओ बार्सा फैंस तुम कैसे हो, सब ठीक? रियल मैड्रिड फैंस ये देख रहे हो कौन खड़ा हुआ है, ये या ये किधर गया भाई, तू भी आजा, आ रहा ये वहां पे देखो वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, दूर है अभी काफी। इन्होंने ना ये लगाया हुआ है, अगर आपको जर्मनी का फ्लैग देखेगा ना तो उसमें से एक आपका भाई भी होगा, तो इन्होंने लगाए हुए हैं इसको, अगर आप सीधा करेंगे तो ये जर्मनी का फ्लैग बनेगा, और आई थिंक यहाँ पे बनेगा सारा जर्मनी का फ्लैग। ये
जहाँ मैं बैठा हुआ ना, ये येलो वॉल वाला एरिया है। गाइज अभी 1-0 चल रहा है और जर्मनी बहुत अच्छा खेल रही है। मूलर ने गोल कर दिया ऑलरेडी और इलेक्ट्रिक एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक एटमॉस्फेयर है, फुल हाउस है और ऐसा लग ही नहीं कर रहा कि फ्रेंडली है। एम्बापे और डेम्बेले जो है वो नहीं खेल रहे, तो उसका जो है इफेक्ट वो दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा। बट भाई अब ये चेक कर रहे हो, बहुत ही इलेक्ट्रिक है भाई। चेक करो ये साउंड, चेक करना आप। गाइस अभी गुंडोगन जो है वो इंजर्ड हुआ हुआ है और being a Barca fan, I'm really worried right now. क्योंकि Gundogan बहुत important है हमारे इस season के लिए और I think he is going off. Gundogan is going off, right? I think so. Yeah. He's hurt in the back. चेक कर रहे हो वेव आ रही है और वो देखो सामने जा रही है, अभी आएगी दोबारा। यार एटमॉस्फेयर इज एब्सोल्युटली इलेक्ट्रिक भाई, इलेक्ट्रिक है वो। देखो वेव कहाँ यहाँ तक पहुँच गया, आ रही है वापस दोबारा। अच्छी पोजीशन में यहाँ पे ग्रीसमैन को और फ्रांस को फ्री किक मिली है, बहुत अच्छी पोजीशन है।
अभी है तो ग्रीज़मैन इज रेडी. शॉट टेकन, कॉर्नर टेकन क्विकली. ओ सो गाइस हाफ टाइम हो चुका हुआ है और 1-0 जर्मनी अप है. आई कांट बिलीव दिस, बट इतना इलेक्ट्रिक एटमॉस्फेयर भाई मैंने ना बार्सा की गेम में अभी देखा है, ना मैंने जो है वो पीएसजी जुवेंटस के गेम में देखा था भाई. इंटरनेशनल फुटबॉल इंटरनेशनल ही है, ये फ्रेंडली है, ये फ्रेंडली है. इट वॉज एब्सोल्युटली इलेक्ट्रिक. अगर आपने टीवी के ऊपर देखा हो ना तो इट इज एब्सोल्युटली इलेक्ट्रिक. और जो जर्मनी का फ्लैग बना था ना उसके अंदर एक मैं भी था बता यार. जर्मनी बहुत अच्छा खेली है. एम्बाप्पे और डेम्बेले स्नेक जो है वो नहीं खेल रहे थे तो गालियां निकालने का दोनों को मौका नहीं मिला अभी तक, लेकिन सेकंड हाफ के अंदर आएंगे. जर्मनी बहुत अच्छा खेल रही थी जब तक गुंडोगान खेल रहे थे, और गुंडोगान की इंजरी बहुत बड़ा ब्लू है जर्मनी के लिए. अभी उनके जाने के बाद जो है वो कंट्रोल चला गया, और फ्रांस जो है आखिर के 20-25 मिनट में 4-5 चांस क्रिएट किए उन्होंने. तो गुंडोगान भाई होपफुली इंजरी सीरियस ना हो, क्योंकि जर्मनी और स्पेशली बार्सा भाई बार्सा तो होपफुली. लेकिन सेकंड हाफ के अंदर एम्बाप्पे और डेम्बेले दोनों आएंगे और फ्रांस थोड़ा सा हार्ड आएगी. और आई थिंक मेरी 2-2 की प्रेडिक्शन है, शायद ये गेम ड्रॉ हो सकता है, बट आई वॉन्ट के जर्मनी जीते बिकॉज यहाँ पे जो उनकी सपोर्ट है That is absolutely electric. मुझे अपनी आवाज़ नहीं आ रही, होपफुली आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी. फुल हाउस है और सिग्नल इडुना पार्क इज एब्सोल्युटली अ मैसिव स्टेडियम भाई, ये चेक करो. सो हु इज विनिंग इट नाउ इन द सेकंड हाफ? इट्स 1-0 स्टिल. आई स्टिल थिंक इट्स गोइंग टू एंड 1-1. Not 5-0. No, not 5-0. That's gone. That's so gone. Let's see. Let's see how. But Germany is playing good defense. Yeah. They're attacking quite well. Yeah. So, but Mbappe will come on. I hope so. Yeah. And let's see. I hope he might score. It's good. Yeah. Let's see, guys. So, guys, Dembele is on. So guys, Dembele is on. Kunde is also on. Kunde and Dembele are on. Mbappe abhi bhi nahi aaya. Guys, 70 minutes ho chuke hain. 1-0 lead kar rahi hai yahan pe Germany. और डेम्बेले स्नेक जो हैं वो आ चुके हैं पिच के ऊपर. कुंडे भी आ चुके हुए हैं पिच के ऊपर. थुराम आ चुके हुए हैं, इसी तरह काई हैवर्ट्स भी आ चुके हुए हैं, चेल्सी लेजेंड और आर्सेनल लेजेंड टू बी काई हैवर्ट्स. इवन गेम चल रहा है सेकंड हाफ के अंदर, दोनों टीम्स के पास चांसेस थे. लेकिन सबसे जो मतलब अफसोस की बात है कि एम्बाप्पे वार्म अप भी नहीं कर रहे, तो सारे प्लेयर ऑलमोस्ट देख लिए हमने, ठीक है. ऑब्वियसली गुंडोगान को भी इंजरी होगी, लेकिन एम्बाप्पे नहीं दिख रहे अभी तक, तो वार्म अप भी नहीं कर रहे. होपफुली इस गेम में ज़रूरत है वैसे एम्बाप्पे की इस टाइम, इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, बट वार्म अप नहीं कर रहे इस टाइम पे एम्बाप्पे. तो लेट्स सी कि आते हैं या नहीं आते. तो सिर्फ 15 मिनट्स ऑलमोस्ट रह गए हैं गेम के अंदर, लेट्स सी कि क्या रिजल्ट है. Looked like a safe penalty, right? Yeah. It was a foul.
Okay. Let's see. Okay. What is happening? No penalty? I don't know. From here, but we are far away. It looks like a clear foul. That's it. It is, I think. Okay, penalty. Let's see. So, let's see. Griezmann ready to take the penalty. It was a great shot, huh? Yeah. Griezmann scores 2-1. 59 minute, 2-1. मैच जो है वो ख़त्म हो गया और मैं जो हूँ सिग्नल इडुना पार्क के बाहर हूँ। यार बहुत मज़ा आया मैच देख के। अगर आपने अभी तक वीडियो देखी है तो आपको पता चला होगा कि यार इट वाज नॉट अ फ्रेंडली भाई, मतलब यार दिस इज, आपने अगर एटमॉस्फेयर, इट वाज एब्सोल्युटली इलेक्ट्रिक ना। मैंने बार्सिलोना में ये ऑब्जर्व किया था जब मैं गया था, बिकॉज ऑब्वियसली इंटरनेशनल टीम है यहाँ पे और बारिश हो रही है यहाँ पे काफ़ी तेज़, और इसी बारिश में प्लेयर्स खेल रहे थे। इंटरेस्टिंग हो गया था मैच एंड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा, जब पेनल्टी मिल गई थी 2-1 हो गया था। एम्बाप्पे देखने को नहीं मिले, स्नेक देखने को मिल गए हमें, बट यार जो मेन चीज़ थी ना, प्लेयर्स तो देखे ही देखे, लेकिन जो एटमोसफेयर था यार, बार बार वही मैं कहूँगा, इट वॉज इलेक्ट्रिक। और आई हैव नेवर सीन एनी, मतलब इस तरह की कोई चीज़ मैंने देखी नहीं अभी तक। मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था इंटरनेशनल मैच का। भाई जर्मनी के लोग क्रेजी हैं फुटबॉल को लेके, इवन फ्रांस फैंस इतने नंबर्स के अंदर आए हुए थे इस मैच के लिए। एम्बाप्पे को भी खिला देते 5-10 मिनट तो क्या हो जाता भाई, बट अमेजिंग यार, अमेजिंग एक्सपीरियंस। और मिलते हैं भाई बहुत जल्द, गुड बाय।